बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है यहां, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यानी सर आपको एक यूनिट का प्राइस बताना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट बी ब्रॉट डाउन टू 90,000, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कहने का मतलब है सर, हमारे पास एक पुराना ब्रेक इवन पॉइंट निकल सकता है, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के टर्म्स में निकालना है, यूनिट पे काम चल रहा है यहां। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के टर्म्स में क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, है ना। फिक्स कॉस्ट कितने सवाल में, सवाल में फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 27,000, 2,70,000। सीपीयू क्या होगा आपका, सीपीयू 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 इज इक्वल टू सेल्स माइनस वीसी, सेल्स माइनस वीसी। सर सेल्स क्या है, सेल्स दे रखा है आपको 100 रुपये और माइनस में आपका 75, दैट इज आपका 25। तो यहां पे अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 25, 10,800, 10,800। पहले तो बताइए ये 10,800 क्या निकला है, दैट्स 10,800 क्या निकला है, ये ब्रेक इवन पॉइंट निकला है। और सर ये कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है, पुराना है, ये ओल्ड है, ओल्ड है। अब एग्जामिनर चाहता है कि हमें अपने ब्रेक इवन पॉइंट को खींच के कहाँ ले आए, 9,000 पे। यानी एग्जामिनर कह रहा है भैया मैं आपको बता रहा हूँ न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कितना हो जाए आपका, 9,000। तो सर आपका 10,000 ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि आप 10, ये यूनिट है, रुपीस नहीं है, कि आप 10,800 यूनिट बेचोगे तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और वो चाहता है आप 9,000 यूनिट बेचो और नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो सीधी सीधी बात है आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। क्योंकि आप एक यूनिट है, 5,000 यूनिट पे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, मैंने बोला 4,000 पे भी वही प्रॉफिट कमा के दिखाओ आप, तो आप कैसे कमा सकते हो, आपको अपना सामान महंगा करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है। तो इसलिए सवाल में पूछा गया कि बताइए सेलिंग प्राइस नए वाला क्या होगा, पुराने वाला तो हम बता रहे हैं आपको 100 है, जब आप इसको यहां लेके आओगे तो नए वाला क्या होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ओपन कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, सीपीयू यही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 9,000, फिक्स कॉस्ट कितने का था, 270, 270। सीपीयू नहीं पता, सीपीयू क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें सेल्स ही नहीं पता नए वाला, नए वाला जब सेल्स नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट तो पता ही है, अगर हमें नए वाला सेल्स नहीं पता तो डेफिनेटली हम सीपीयू नहीं निकाल सकते। तो यहां से सीपीयू तो निकाला जा सकता है, सीपीयू क्या होगा सर, सीपीयू इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो 270 डिवाइडेड बाय 9,000, 270 डिवाइडेड बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 9,000, 30 रुपए का। यानी सीपीयू कितना आ गया, 30 रुपए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये चैप्टर ना इतना आसान है लेकिन कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, और जो मैं तरीका अपना रहा हूं हो सकता है कि आप इसी क्वेश्चन को अपने तरीके से दूसरे तरीके से कर लो, यानी एक सवाल को करने के 10 तरीके हो सकते हैं लेकिन आंसर सबका सेम ही रहेगा। अब सीपीयू क्या होता है हमारा, सीपीयू का फॉर्मूला कहता है कि सेल्स माइनस में वीसी, यही कहता है। अब सीपीयू पता है कितना है, 30, सेल्स नहीं पता एक्स मान लो, वीसी पता है, वीसी कितना है, 75, तो आप इधर ऐड कर दोगे तो कितना होगा सर, 105। यानी सर एक्स सेल्स निकल गया 105। तो देखो सवाल में जरूरी नहीं है कि ब्रेक इवन पॉइंट पूछे, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप प्रूफ करना चाहते हो ना, तो 105 रुपए के हिसाब से सामान को बेच दो, आप 105 रुपए के हिसाब से 9,000 को बेचो और लास्ट में देखना आपका प्रॉफिट क्या आएगा, 0 आ जाएगा उस सिचुएशन में। बच्चों ने बता भी दिया था कि सर 105 होगा सेलिंग प्राइस, क्लियर। ऑल दो हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे सवाल, लेकिन पहले वाली चीजों को मैं हटा के शुरू से करवा रहा हूं सारी चीजें। यस 945 कह रहे हैं सर, 945 का आएगा, 105 इंटू में 105 इंटू में 90,000, 9,000।
बिल्कुल 945 का सेल आएगा, और माइनस में वीसी क्या आ जाएगा सर? वीसी आ जाएगा 75 × 9000, 75 × 9000, 6 और 945, तो आप देखेंगे तो बिल्कुल जीरो आ रहा है, हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, चलिए एक और सवाल है, किसी का डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, हैंड रेज का भी आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, फिक्स एक्सपेंस दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, कैलकुलेट पीवीआर, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 20,000, जब आप 20,000 का सेल करोगे तो कितनी कमाई होगी ये भी बताना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ रिड्यूस बाय 20%, अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। पॉइंट नंबर वन पीवीआर, ये तो बड़ा आसान है। क्या पीवीआर कहता है? पीवीआर कहता है भाई कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई क्या रखो, सेल्स इंटू में 100। तो सर कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सर कंट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए यहां पे एक तो सेल्स तो चाहिए चाहिए। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है बताइए? क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन में क्या सेल्स गिवन है? जवाब है सर सेल्स भी नहीं, ना तो हमें क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन पता, ना क्वेश्चन में सेल्स पता हमें, और पीवीआर भी नहीं पता। तो बड़ी बेसिक सी चीज है, हम एक काम कर सकते हैं, हमें ब्रेक इवन पॉइंट पता है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाया जाए, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय, क्या पीवीआर होता है? एफ सी डिवाइडेड बाय पीवीआर। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है सर? 10,000। एफ सी कितना दे रखा है सर? एफ सी दे रखा है 4,000। लो जी पीवीआर आ गया, ऐसे निकाल लेंगे इसको, डिवाइड कर देंगे तो पीवीआर क्या आएगा? पीवीआर आ जाएगा हमारा, पीवीआर आ जाएगा। तो यानी जरूरी नहीं एक ही फॉर्मूला, अब देखो कहां से कहां निकाल लिया हमने, ये आ जाएगा हमारा 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 40% पीवीआर आ गया, 40%। पहले सवाल का आंसर डन, पहले सवाल का आंसर डन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। सेकंड कहता है प्रॉफिट व्हेन सेल्स 20,000। ओके सर, सेल्स हमारा है 20,000, माइनस में वीसी, तो सर वीसी कितना होगा? सर वीसी होगा हमारा 60%। याद आया आपको कि पीवीआर का उल्टा वीसी होता है, तो 60% अगर देखा जाए तो कितना होगा इसका? 12,000। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गया सर? कंट्रीब्यूशन आ गया 8,000, माइनस में एफसी कर दो, एफसी कितना था? 4,000, दैट इज प्रॉफिट आ गया। तो देखो मैं अगेन कहूंगा कि मैं थोड़ा तेज इसलिए भी करा रहा हूं कि पहले भी कराया था, और बाकी आपको बिल्कुल अलर्ट होके करना होगा, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला कहां से कहां लग जाता है, बच्चे कई बार इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। तो अब देखो यहां पे इस तरीके से निकाल लिया, क्योंकि हमें यहां पे वीसी भी नहीं पता था, तो वीसी आपको दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला के, वीसी ऐसे भी निकाला जा सकता है। सिर्फ इसी वजह से हमने पहली क्लास के अंदर छोटे से पॉइंट में इतना समय लगा दिया था, ताकि आपको सारी बातों का डिटेल में पता हो, क्योंकि ये चीजें अगर मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊं ना तो भूल जाओ कि आगे आपको फिर समझ में आएगा कुछ चीजें, फिर आप पूछते रहोगे कि सर ये कैसे आया, आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया इसको। चलिए पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री कहता है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%। सर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 20%, तो सबसे पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था सर? ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा 10,000। अभी तक हम सेल्स नहीं निकाल पाए, लेकिन मैं अब सेल्स निकाल के दिखा रहा हूं आपको। यहां पे हमने क्या निकाल लिया? पीवीआर और वीसी कितना है? 60%। तो पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं, तो सर सेल्स होगा हमारा इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा क्या था फॉर्मूला, कहता था ब्रेक इवन पॉइंट में होता है हमेशा हमारा सेल्स इज इक्वल टू टीसी, ब्रेक इवन पॉइंट में यही बताया था, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है? टीसी। अब सर ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हमें यह पता है, ब्रेक इवन पॉइंट कितने हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट? तो बोलता है सर ₹10,000। ओके, अब आपको क्या टीसी पता है? यहां पे टीसी नहीं पता, लेकिन वीसी जरूर पता है यहां पे। तो वीसी क्या है हमारा? 60%। 60% वॉट? क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं?
क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वली तो है। क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं, ये तीनों इक्वली तो है। मैं इसे हटाई देता हूं, ये तीनों इक्वली तो है, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, यहां पे सेल्स भी बोल सकता हूं। तो अगर ये हमारा सेल्स बन गया, अगर हमारा सेल्स बन गया ये, तो सर वीसी भी निकाला जा सकता है। वीसी 60% है, दैट इज आपका 6000। तो पहले तो आप ये सोचिए कि सर हमारा यहाँ पे सेल्स तो 10000 है और वीसी पुराने वाला 6000 है और एफसी पुराने वाला 4000 है, तभी पुरानी कहानी। मैंने क्वेश्चन को डेवलप किया है। अब सवाल में कहता है सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो सर, सेलिंग प्राइस। तो सर सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने को बोला जा रहा है, तो मेरा जो सेल्स होगा और वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय पी वी आर इंटू में 100। सर एफ सी तो हमें पता है 4000, पी वी आर नहीं पता। पी वी आर का फॉर्मूला ओपन करो, क्या होगा सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, दिमाग लगाओ। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस में वीसी। सर यहाँ पे सेल्स क्वेश्चन में क्या है, सेल्स ड्रॉप डाउन होगा नए वाले में, तो न्यू सेल्स जो होगा ना, वो न्यू सेल्स जो होगा वो कितने परसेंट होगा, यानी सर 8000 होगा। तो दैट इज आपका क्या आएगा सर, 8000, और माइनस में वीसी पे बदलाव नहीं होगा, तो इसका मतलब सर ये 2000 आएगा। मैं इसको, इसका मतलब सर ये क्या आएगा हमारा, 2000 आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 है, तो सर ये निकाल लेते हैं, 2000 डिवाइड किससे करेंगे, सेल्स तो अब क्या आ चुका है 8000 इनटू में 100, तो 2000 डिवाइडेड बाय 8000, 25%। ये क्या आ गया सर, 25%। अब बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 25 इनटू में 100, तो 4000 डिवाइडेड बाय 25 इनटू में 100, तो 16000। तो सर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आपको रखना होगा 16000 रुपए। अगर आप चाहते हो कि आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए, तो आपको सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, जो कि है 16000। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, एक बार देखिए इसमें डाउट है तो, एक बार देखिए डाउट है तो। आज अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या किया है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन सीख लिया, पीवीआर सीख लिया और ब्रेक इवन पॉइंट सीख लिया। हालांकि मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हिंट दे दिया, जो कि हमने हमारे अगले क्लास का एजेंडा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी कुछ एक पॉइंट उसके अंदर आएंगे। यहां तक क्लियर है, सत्येंद्र ने 66 निकाला है, ये पता नहीं ये 66 क्या निकाला है। कहने फर्स्ट में ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन में एफसी कंट्रीब्यूशन होता है, तो डायरेक्ट 4000 ही ले सकते हैं। सर 8000 न्यू सेल्स बता दो, 8000 न्यू सेल्स किसने कहा था, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा। ये वाला जो सेल्स निकाला ये तो ओल्ड वाला था, पुराने ब्रेक इवन से, और बोलता है वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो, तो रिड्यूस जब इसको करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ज्यादा स्पीड में मत कराओ, ये पहले करवा भी रखा था इसलिए थोड़ा स्पीड में लेके, बाकी अगली क्लास से बहुत धीरे धीरे करेंगे। बाकी आप दोबारा करेंगे इस पूरे क्वेश्चंस को। डन।